फ्रेश मेहर वाली लिपस्टिक मिली मैक की, तो मैंने निकाल ली क्योंकि वो पुरानी वाली खत्म हो चुकी थी. मतलब आई वॉज एक्चुअली डिपिंग माई फिंगर्स इन इट एंड देन मैं निकाल के उसको इस तरह से लगा रही थी. मेकअप मेरे सामने रहे ना तो आई स्टार्ट डूइंग मेकअप. इसमें फोन्स आ जाते हैं और इन बाहर जाए ना तो मुझे 10 बार कॉल करता है. मतलब अ गर्ल कैन नेवर हैव इनाफ. नया है बिल्कुल. ओवर आई ब्रोक द सील. इट्स रियली गिविंग मी बटरफ्लाइज इन माय स्टमक. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. आज है संडे एंड फाइनली द डे हैज कम कि मैं घर जा रही हूँ. माय फ्लाइट इज टुमारो और मैं पहुंचूंगी ऑन 10th, दैट इज ऑन ट्यूसडे. बिकॉज मेरी दिल्ली में ले ओवर है फॉर ऑलमोस्ट 7 आवर्स. यूजुअली आई एम यूज टू ले ओवर्स क्योंकि आसाम जाने के लिए कोई भी कभी भी डायरेक्ट फ्लाइट मुझे मिली नहीं है आज तक. एक्सेप्शनल केस तभी होता है जब मैं कोलकाता से कभी मैंने ट्रेवल किया हो. अदरवाइज आई वॉज इन हैदराबाद वर्किंग, तब भी मुझे हमेशा कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती थी. बट द ले ओवर्स वर फॉर 3 आवर्स. ऐसे 7 घंटे की ले ओवर मुझे पहली बार मिली है तो फिर, और पूरी रात है ले ओवर. तो नेक्स्ट डे 10th को, ट्यूसडे को मेरी फ्लाइट है अराउंड 7. तो उसी लिए, और अरिंदम भी नहीं होगा सो उसी लिए थोड़ा सा इट्स गोइंग टू बी टायरिंग. अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी. और आप देख रहे हैं पीछे सब कुछ मैस है इधर बिकॉज आई एम पैकिंग. तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूं. आज मैं पैकिंग इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि कपड़े आ जाए, मतलब जो मैंने कपड़े लिए हैं थोड़े बहुत गिफ्ट्स में, गिफ्ट देने के लिए, वो सारे के सारे आयरन होकर आए उसके बाद. तो वो कल रात को आया वो सारे कपड़े फ्रॉम लॉन्ड्री एंड कल रात मुझे करने का मन नहीं कर रहा था तो इसीलिए अभी मैंने डिसाइड किया है. अभी शाम के 4 बज रहे सो आई विल स्टार्ट पैकिंग. अरिंदम अपने कपड़े लेकर गया है उसके ट्रिप के लिए. आयरन ही रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक अगर रहे फॉर्मल्स वगैरह वो क्रीजेस आ जाते हैं. तो फिर वो गया है फिर से आयरनिंग करवाने उनको. वो आएगा तो मैं आई विल पैक हिज एज वेल. पहले मैं अपना पैकिंग करूंगी इन दिस इस बैग में और उसकी पैकिंग होगी ये छोटी सी सूटकेस में. 4 दिन की उसकी पहली ट्रिप है टू दिल्ली, उसके बाद द नेक्स्ट ट्रिप इज फॉर 5 डेज इन मुंबई. द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज मैं पहुंचूंगी 10th को और मेरी मम्मा को पता है दैट आई एम रीचिंग ऑन 14th. एक्चुअली मेरी टिकट 14th की ही थी बट जब अरिंदम के ट्रिप का डेट्स आया सो वी हैड टू गो अहेड एंड प्रीपोन द ट्रिप टू 10th, मतलब 9th बेसिकली. मैंने मासी को बोला हुआ था कि आई एम रीचिंग ऑन 14th, तो मासी को बोलने के बाद कहीं ना कहीं इट हैज रीच्ड एवरीवन. सबको पता चल गया कि मैं 14th को आ रही हूँ, विच वॉज ट्रू फॉर अ मोमेंट. लेकिन फाइनली जब वो प्रीपोन्ड हो गया आई डिड नॉट टेल एनीवन एंड दे बिलीव्ड कि मैं 14th को ही आ रही हूँ. अब किसी को भी नहीं पता. आई हैव सीक्रेटली कॉल्ड माई ड्राइवर कि आप मुझे आके पिकअप कर लेना बट वो मुझे नहीं पता क्योंकि गाड़ी तो घर से ही निकलनी है, ऐसे तो आप मतलब बिना बोले नहीं लेके जा सकते. वो कितना मैनेज कर पाएगा वो मुझे नहीं पता. अगर उसने मैनेज कर लिया तो मैं डायरेक्टली घर पहुंचूंगी एंड दे विल बी सरप्राइज्ड. अगर वो मैनेज नहीं कर पाया तो आई हैव टू कॉल माई मदर इन द मॉर्निंग 10th को दिल्ली से और मुझे उनको बोल देना पड़ेगा दैट आई एम गोइंग टू बी रीचिंग एट 9 इन द मॉर्निंग. तो आप प्लीज गाड़ी भेज दीजिए. सो दैट इज द थिंग. इट्स रियली गिविंग मी बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. तो अब मैं शुरू करती हूँ पैकिंग. मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे शाम को निकलना भी है थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए. सो प्लीज कम एंड लेट्स डू द पैकिंग टुगेदर. सेट करती हूँ बेसिक एसेंशियल्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग.
फॉर लाइक 10-15 डेज के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो. बेसिक मेकअप आइटम्स और स्किन केयर आइटम्स दैट यू नीड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. सो लेट मी क्विकली गो अहेड एंड शो इट टू यू कि मैं क्या क्या लेकर ट्रैवल करती हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये बड़ा सा एक पाउच है जो कि आप लगेज में डालेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट इन पुट इट इन योर हैंड बैग. तो ये बड़े से बैग के अंदर मैं क्या क्या लूंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे है कुछ ब्रशेस. आई हैव ओनली टेकन 3 ब्रशेस. इससे मैं फाउंडेशन, ब्लश, जो भी मुझे कंसील भी करना हो, पाउडर भी करना हो, आई डू इट विद दिस वन. दिस इज फॉर माई स्मजिंग, जो आंख के नीचे स्मज करते हैं उसके लिए. और ये वाला फॉर माई ब्राउज. ठीक है, ये 3 ब्रश आपने ले लिए. आई यू गोइंग टू पुट इट इन अ बैग विच इज नॉट गोइंग टू गो इन योर हैंड बैग, राइट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बिकम वेरी 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 हैवी. ये ट्रेवलिंग के टाइम पे आपको चाहिए नहीं होता. जब आप पहुंच जाते हो डेस्टिनेशन में, ओनली देन यू नीड इट. नाउ आई एम ट्रेवलिंग इन अ प्लेस विच इज वेरी चिल्ड और ठंड बहुत ज्यादा है, सो यू नीड अ मॉइस्चराइजर. मैं ये वाला ले रही हूँ, डॉट एंड की का है ये मॉइस्चराइजर. देन आई एम टेकिंग अ स्ट्रोक क्रीम. फाउंडेशन आई एम गोना कीप इट वेरी लाइट. तो ये वाला द बेस्ट फाउंडेशन ही हैवी नहीं है, वेरी लाइट ऑन योर स्किन. तो ये वाला मैंने लिया हुआ है. देन तो ये छोटा सा स्क्रब है, ये मैं डाल दूंगी. ये एक छोटा सा, मेरे पास ना ट्रेवल साइज भी रहता है, तो ये छोटा सा एक मेकअप रिमूवर है, नया है बिल्कुल. ओवर आई ब्रोक द सील, अब इसमें से गिरे नहीं, बस इतना कमिंग ऑफ. तो ये वाला भी मैं इधर रख दूंगी. अ सनस्क्रीन विच विल गो इन हियर, अ सीरम, जो भी आपका स्किन केयर है बेसिक वो इधर रख दे. सो आई गॉट 2 ऑप्शंस, दीज 2 मैंने लिया हुआ है, जो कि यही रहेगा. ये बाहर ही रहेगा, मैं एकदम लास्ट में इसको डालूंगी क्योंकि जाने से पहले आई हैव टू डू माय मेकअप. कभी कभार क्या होता है, यू डोंट वांट टू डू फाउंडेशन एट ऑल, तो यू जस्ट वांट टू कंसील फ्यू पार्ट्स ऑफ योर फेस और एंड यू गो अबाउट योर डे. यू डोंट नीड फाउंडेशन एट ऑल. तो मैंने 2 कंसीलर रखा है. दिस इज मेबेलिन, दिस इज मैक. देन आई गॉट छोटू सा प्राइमर जो कि फ्री में मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम. आई थिंक मैं ये फ्री में नहीं है, मैंने एक्चुअली लिटरली जाके खरीदा है इसको. ये सैम्पल पीस नहीं है बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें चाहिए रहती है. मैंने लिप्स के लिए आई हैव बेसिकली, ज्यादा ऑप्शन नहीं लिया है मैंने, फिर भी ज्यादा ही है. मतलब अ गर्ल कैन नेवर हैव इनाफ. तो लिप्स मैं जब ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे लगता है कि शायद मुझे उस चीज की जरूरत पड़ जाए तो ले ही लेती हूँ. आई ऑलवेज ट्रैवल हैवी, आई एम नॉट वन ऑफ दोज लाइट ट्रैवलर्स. एनी वे, लिपस्टिक के लिए आई गॉट दिस मैट, मतलब न्यूड कलर लिया है एक, ये एक रेड है, एक मैंने लिप बाम की तरह, ये जो बॉबी ब्राउन का है, आई यूज इट एज अ लिप, बहुत लाइट सा कलर देता है. सो ये है एक, ये शायद मैं नहीं लूंगी, एनीवे तो ये एक मैंने लिया है, 2 लिप ग्लॉसेस यहाँ पे और एक लिप बाम और एक मैक का मैंने लिया है, ये एक ब्राउन शेड. आई शुड हैव टेकन पिंक बट देन ब्राउन ले लिया है, जो भी है. ये ग्लॉस तो लिया है, व्हाई डू आई वांट अनदर ग्लॉस, पता नहीं लग रहा है. तो ये हो गया और इसके अंदर मैंने ढेर सारे पैंटी लाइनर्स रख दिए हैं, पर ट्रैवलिंग पैंटी लाइनर्स आर इम्पोर्टेंट. तो ढेर सारा मैंने ये रख दिया है. और हाँ, एक डिओड्रेंट लिया है, दिस इज फ्रॉम नायका, द लास्ट फ्रेंच लैवेंडर, बहुत अच्छी खुशबू देता है, वेरी नाइस, आई लव इट. इसकी स्मेल ना विल टेक यू टू योर चाइल्डहुड डेज. ये बहुत अच्छा है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, स्मेल्स गुड, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं आई डोंट नो. तो ये वाला मेरे हैंडबैग में जाएगा. तो ये हो गया सब कुछ इसके अंदर फिक्स, राइट. सो जो जो आपको चाहिए आपने ले लिया है अपने हैंडबैग में.
नाउ ये वाला बैग विल गो इन द लगेज. नाउ वी हैव अ स्मॉल पाउच, इसके अंदर मैं डालूंगी जो कि मुझे एयरपोर्ट में चाहिए होगी, समथिंग दैट आई नीड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग हैंडी. सबसे पहला है ये हैंड सैनिटाइजर, यूकेलिप्टस एंड स्पेयरमिंट, वेरी नाइस स्मेलिंग, ये वाला रखते हैं सबसे पहले इसके अंदर. उसके बाद चाहिए होगा एक हैंड क्रीम, एक्चुअली ये हैंड क्रीम नहीं है, दिस इज बॉडी क्रीम, बॉडी लोशन, बट मैं इसको हैंड क्रीम के हिसाब से यूज करूंगी क्योंकि यू जस्ट नीड टू मॉइस्चराइज योर हैंड्स, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट. देन अच्छा आपने मेकअप का सामान तो सारा ले लिया, यू ऑल्सो नीड अ ब्यूटी ब्लेंडर ओके, या फिर ब्रश, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. नाउ मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा इस तरह के पैंटी लाइनर्स फिर से चाहिए होंगे. आई विल और हाँ एक मॉइस्चराइजर है छोटो सा, ये भी ट्रैवल साइज है, दिस विल गो, आई डोंट नो यही पे ले लेती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके डू नॉट कैरी योर परफ्यूम्स इन योर लगेज, वरना वो इतना उछाल उछाल के फेंकते हैं उसको. आई हैव अ वीडियो ऑन दैट ऑन माई इंस्टाग्राम, तो डू नॉट डू इट. और तो इसीलिए इसको मैं साइड में इस तरह से रख लूंगी. और एक डिओड्रेंट है उसको भी मैं इधर ही रख लूंगी. मैं अब कोई सा भी हल्का सा लिपस्टिक ले ले, दिस इज द बिग बैग एंड दिस इज अ स्मॉल पाउच, तो हमेशा आप दो पाउच करें, एक लगेज में डालें और एक हैंड बैग में, क्योंकि यू विल गेट लॉस्ट इन योर हैंड बैग नो मैटर हाउ बिग योर हैंड बैग इज. ये एक ब्लश है और ये एक मैक पाउडर है, तो ब्लश विल गो इन द लगेज वाली बैग और ये पाउडर इधर जाएगा. काजल मुझे फाइनली मिल चुका है, काजल आई डोंट नो इफ आई डू काजल वाली लुक कल, सो आई विल कीप वन इन द बैग, अदरवाइज आई वोंट, लेट्स सी हाउ इट गोज. एक टिंट रखे क्योंकि अगर आप ग्लॉस लगा रहे हैं एंड योर लिप्स आर अ लिटिल पिगमेंटेड और व्हाटएवर, अगर आप टिंट लगा के ग्लॉस लगाएंगे ना, इट्स बेटर, इट लुक्स गुड, टेक इट फ्रॉम मी. सो ये हो गया मेरा बैग रेडी. सो दो बैग रेडी हो चुके हैं मेरे अब, और एक कॉम रखे. आई लाइक टू ट्रेवल विथ लार्ज बैग्स. दिस ब्यूटिफुल बैग इज गिफ्टेड बाय माई सिस्टर इन लॉ मुनमुन, थैंक यू सो मच. ये काफी पुराना है बट द क्वालिटी इज वेरी गुड. तो ये वाला मैंने रख दिया इसके अंदर, इट गोज इन, और ये वाली मैं बाहर ही रखूंगी क्योंकि कल मुझे मेकअप करके निकलना है. और हाँ एक मॉइस्चराइजर ले ले, आई एम श्योर घर पे मॉइस्चराइजर मिलेगा. अब कहीं मैं तो घर जा रही हूँ, मेरे घर पे मिलेगा, ये वाली नहीं मिलती है उधर, और ये हम बहुत ज्यादा थिक है और ड्राई नहीं होता, तो ये वाली मैं रख लूंगी. अब आते हैं मेडिसिन एंड ऑल दैट. तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है वेरी बैडली, तो मैं उसके लिए लूंगी डिस्प्रिन मेडिसिन, जो आपको जैसा लेना है. अब डाइजीन इतना बड़ा नहीं लूंगी, कट इट, कुछ मैं अरिंदम को दे दूंगी और कुछ मैं लेकर जाऊंगी. देन वी हैव क्रोसिन 650, हेडेक के लिए भी होगा, इफ यू फीलिंग अ लिटिल फीवरिश इवन देन इट हेल्प्स. Then I have a couple of medicine of mine, some mint that will keep your breath fresh. और ये दो मेरे लिए और एक ये अरिंदम के लिए छोटू सा. So ये सारी चीजें और थोड़ी बहुत मेरी medicines है वो, यही सारी चीजें लेकर मैं travel करती हूँ. और जहाँ तक पैकिंग की बात है, अरिंदम आता है तो मैंने सब कुछ रख दिया है, अरिंदम विल जस्ट गो अहेड एंड पैक इट फॉर मी. आई एम नॉट फीलिंग लाइक पैकिंग, समटाइम्स आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग ईदर. और जूते वगैरह भी है, ये इतना ख़त्म हो के इतना गंदा हो गया, ये मेकअप मेरे सामने रहे ना तो आई स्टार्ट डूइंग मेकअप,
ये बहुत खराब हो गया है, यू नो द स्पंज केम ऑफ, आई डोंट नो, फिर भी इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन। Why am I doing it? I don't know. So foolish of me. जब भी आप कंसील करें ना, अगर आप कोई भी सेटिंग स्प्रे से आप अपना ब्रश भिगा लेंगे, इट रियली ग्लाइड्स ऑन, इट रियली स्प्रेड्स योर मेकअप इवनली, चंकी नहीं होता है, इट really does wonders. And one more thing that you cannot have enough of is hair ties and clips. बहुत जरूरी है ये, ये एक इस तरह की चीज है जो कि आपके पास जितने भी हो जब आपको जरूरत है वो कहीं खो जाते हैं। मैं कितनी भी carefully रख ना लू, it will get lost, I'm sure about it. And then you need a मिरर जस्ट टू सी योरसेल्फ। आ गई वापस मैं और अरिंदम अब मेरी पैकिंग कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ लेकर आ गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पैकिंग करता है।